105th Essays, Day 17. Children, we are going to learn Chapter Number 6, United Nations. Before we start the lesson, let me tell you about United Nations, what is UN, and why it is established. United Nations, the United Nations, UN, जिसे हम UN भी कहते हैं, in short, okay? UN is the abbreviation of United Nations. Is an organization. क्या है एक organization है between countries. Countries मतलब अलग अलग देशों के बीच का एक organization है. Established on 24th October 1945. कब ये बना, कब स्थापित हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित हुआ. To promote international कोऑपरेशन, एक दूसरे को मदद करने के लिए. अभी हम नेशन नेशन में तो भाईचारा रहता है, लेकिन इंटरनेशनल में कौन भाईचारा करने जाने वाले हैं, कौन किसको जानता है. तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ, जिससे हम एक दूसरे को मदद करें. कब कब मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई जब नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, या फिर कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई वॉर हो गया, तो हमको तब वी आर हेल्पलेस. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अटैक हो गया, तो व्हाट द इंडियन पीपल विल डू, दे आर हेल्पलेस. इवन द इंडियन गवर्नमेंट इज हेल्पलेस बिकॉज ऑल द थिंग्स आर वैनिश्ड इन द कंट्री. सो व्हाट द अदर कंट्री डू, व्हाट वन द कंट्री हु आर सेफ, दे विल हेल्प दिस कंट्रीज. जो जिनको प्रॉब्लम आई है उस कंट्री को सब कंट्री मिलकर मदद करेगी. एक मदद करेगा तो शायद मदद नहीं पहुँचेगी, लेकिन 10 मदद करने आ जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सभी से मदद मिलेगी. इन दिस वे All the countries will survive well. Okay, सब अच्छे से रह खा सकते हैं. It was founded to replace the League of Nations following World War II and prevent another conflict. अब क्या, किस लिए ये foundation हुआ, ये actual में replace है. The League of Nations है जो World War II के time बनाया गया था. तो एक दूसरे के बीच में जो भी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वाद विवाद होता है, वो सुलझाने के लिए बनाया था. व्हेन इट वाज फाउंडेड द यूएन हैड 51 मेंबर स्टेट्स, देयर आर नाउ 193. जब यूएन बना तो उसमें सिर्फ 51 मेंबर्स थे और अब उसमें 193 हैं. The most nations are member of UN and send diplomats to the headquarter to holding and making decisions about global issues. अब हमारे देश में जो भी UN के diplomats होते हैं, what's the meaning of diplomats, children? That in Hindi diplomats means राजनयिक को. In English, an official engaged in international negotiations. Okay. जो इंटरनेशनल का कारभार संभालता है उसे हम कहते हैं डिप्लोमेट्स. ओके, सो दिस डिप्लोमेट्स है, जैसे कि अभी हु इज़ द डिप्लोमेट्स नाउ. सो चिल्ड्रन, वी कैन नॉट से वन डिप्लोमेट नेम बिकॉज व्हाट हैपन इन दिस गवर्नमेंट, देर आर मेरी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज इज कॉल्ड डिप्लोमेट्स एंड दे आर सेंड टू द अदर कंट्री. For example, one of the diplomats of Pakistan, any concern with the Pakistan, he has to go there. Okay, ambassadors जैसे रहते हैं, तो ambassadors को हम भेजते हैं वहाँ पर, वो लोग अपना कारभार देखते हैं. ओके, तो फॉरेन सर्विस के अलग हैं, फिर कंट्रीज़ के भी अलग हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिप्लोमेट्स बनाए जाते हैं. The goals of the United Nations are to keep world peace, दुनिया में शांति बनाए रखना है, help countries to get along, मदद करनी है एक दूसरे को, countries को, to improve living conditions for the people all over the world, और पूरे दुनिया के जो गरीब देश हैं उनकी conditions में सुधार लाना है. जैसे अफ्रीका हो गया, पहले तो इंडिया में भी लोगों की मदद आती थी because they were considering India as poor country. बट अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, नाउ वी आर हेल्पिंग टू द अदर कंट्रीज लाइक अफ्रीका एंड ऑल. इवन द पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, कंसिडर्ड एज अ पुअर कंट्री. एंड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और दुनिया को एक अच्छी जगह बनानी है. कैसे अच्छी, हाउ टू मेक द वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस, बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, बाय स्टॉपिंग द वॉर,
वी आर नॉट गोइंग टू डू वॉर, देन एवरी विल लिव इन पीस एंड हारमोनी. हियर इज़ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये इसका फ्लैग है और ये इसका लोगो है. एम्बलम इज लोगो. ओके, दिस इज फ्लैग एंड दिस इज एम्बलम. वो इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यू एन. यू एन इज इन न्यूयॉर्क सिटी. ठीक है. ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश. What type of organization? It's the intergovernmental organization. How many members is? 193 member states and 2 observer states. Leaders, अभी देखो यहाँ पे कैसे कैसे leaders हैं. Secretary General है, नाम दिया है Antonio Guterres. Deputy Secretary General Amina Mohammed. General Assembly President Volkan Bozer. Economic and Social Council President, and all these other sections are given. Okay, let's see. Establishment of UN, when it was signed on 26 June 1945, 75 साल पहले. और charter entered into force, means उसका जो भी rules regulations आ गया है उसको charters कहते हैं. वो 24 October 1945 को आया था. वेबसाइट है un.org एंड un.int. ओके, नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री हाउ द यूएन इज फॉर्म्ड. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, विश्व युद्ध दो के बाद, द नेशन ऑफ वर्ल्ड फॉर्म द लीग ऑफ नेशन. सारे नेशन ऑफ वर्ल्ड एक लीग ऑफ नेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्लेस्ड वेयर द नेशन कुड टॉक थ्रू देयर डिफरेंसेस कामली. अभी बोलने जाएंगे दूसरे देश को तो क्या होगा, मारा लड़ाई काटी हो जाएगी, मारा मारी हो जाएगी. तो ऐसा लीग बनाया उन्होंने, लीग ऑफ नेशंस, जहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को बताए जा सकते शांतिपूर्वक, ना कि जाके लड़ाई झगड़ा करना. जैसे कि मैं बोलूँगी पाकिस्तान इज अटैकिंग ऑन इंडिया, तो वहाँ पर लड़ाई हो जाएगी. क्यों? क्योंकि दे आर अटैकिंग एंड सो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. इफ़ वन एंड अदर कंट्री टॉक टू ईच अदर, तो इंस्टेड ऑफ वन एंड अदर विल टॉक, वी विल मेक अ ग्रुप एंड ऑल विल कम एंड सिट कॉमली एंड वी विल टॉक द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. की अटैक नहीं करना चाहिए, हमारे जान माल को परेशानी हो रही है, आपके भी हो रही है, आपके भी पैसे जा रहे हैं. सो देर इज अ सम सोल्यूशन बिटवीन दिस. ओके, इंस्टेड ऑफ वॉर वी कैन मेक अ गुड फ्रेंड्स अवर नेबर, दे आर आवर नेबर्स, सो वी कैन बी अ गुड फ्रेंड ऑफ द पाकिस्तान ऑल्सो. लाइक दैट देर इज समथिंग इन बिटवीन वे, सो फॉलो दैट इन बिटवीन वे. हाउ एवर सम कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड जापान इग्नोर द लीग एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू वॉर. अभी जर्मनी, इटली और जापान ने इंडिया लीग में नहीं हिस्सा लिया, वो लोग ने खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने को सोचे. और उनके प्रॉब्लम्स एक्चुअल थे वॉर, जो जर्मन का हिटलर था वही एक रीज़न था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. तो हाउ यू विल पार्टिसिपेट इफ ही इज़ ओनली द रीज़न फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो जर्मनी, इटली एंड जापान दे फॉट द वॉर, they said we will fought the war, because Germany, Italy और Japan इन्हीं तीन के बीच में World War II हुआ था. Members of League of Nations did not want to go to war to protect other members at the league field. अभी जो दूसरे देश थे, जो League of Nations के members थे, वो लोग को war पर नहीं जाना था. उनको अपने जान की, मतलब जो भी लोग रहते थे उन देश में, उनकी परवाह थी. A second world war soon started, और world war शुरू हो गया. The alliance of world war II, जो world war II में हिस्सा लिए थे, often called themselves the united nations, और उन्होंने क्या किया, अपने को united nations बना दिया. United against the axis power. After the war, the winner formed a new organization for world peace. On 25th April 1945 in San Francisco, they decided on the name of United Nations. अब क्या हुआ, अमेरिका वालों ने लीग बनाई, एक पूरी अलाइन बनाई, ग्रुप बनाया, जिन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की.
जर्मनी जापान और इटली के खिलाफ लड़ाई की और इन्होंने इनकी जीत हो गई ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को में 15 अप्रैल 1945 को उन्होंने खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन। इन जून दे साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर सेइंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क वुड वर्क। और एक पूरा अपना खुद का किताब बनाया जिसे उसे चार्टर्ड किया जाए तो उसमें पूरे कायदे कानून लिखे हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन चलेगा। द यूएन वॉज क्रिएटेड ऑन 24 अक्टूबर 1994 एंड द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड एट January 1946। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना और पहली मीटिंग हुई January 1946 में। सिंस 1947 द 24th of October हैज़ बीन कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस डे। और 1947 से 24 अक्टूबर को आज भी हम यूनाइटेड नेशन डे कहते हैं। द ओनली कंट्री हुज फ्लैग इज मॉडल्ड आफ्टर द यूनाइटेड इज सोमालिया। तो एक कंट्री है जिसका नाम सोमालिया है उसने अपना खुद का फ्लैग यूनाइटेड नेशन जैसा बनाया है। उन्होंने मॉडल उसका ही दिया है, सोमालिया ने यूनाइटेड नेशन का दिया है। ओके सो चिल्ड्रन नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई द यूएन हाउ एंड व्हाई इट इज स्टार्टेड। वेयर इज द हेड क्वार्टर इन अ न्यूयॉर्क सिटी। ओके एक्टिविटी एंड रेस्ट वी विल सी इन अवर टेक्स्ट बुक। हियर फ्यू प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर गिवन। ये जनरल असेंबली है, ये है यूएन सेक्रेटरियल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी हमारे जो एक सोल्जर को पकड़ा है पाकिस्तानों ने तो उनको यहीं पे ही हम लोग लेकर गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने तो उनको जजमेंट दे दिया है कि वो स्पाई थे ठीक है। तो एक्चुअली ही वॉज नॉट स्पाई, ही वॉज अ लॉस्ट मेम्बर हु लॉस्ट सोल्जर फ्रॉम इंडिया। सो वी आर सीकिंग दैट ही शुड गेट अ जस्टिस। सो ही हैज टेकन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज़ यू एन सेक्रेटरी काउंसिल, यू एन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टशिप काउंसिल। दिज आर द डिफरेंट काउंसिल्स, दिस आर द रूम्स इन द बिल्डिंग एंड दे कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। ओके हियर द सेशन एंड्स, वी विल स्टार्ट द लेक्चर चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू चिल्ड्रन।